बुखार अपना साना चेक कर रही है कि उसे है या नहीं। हैप्पी बर्थडे मुस्कान। अभी हम नहीं दिखा रहे कि क्या है ये। आप सब लोग आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये देखिए दिन शुरू हो चुका है, आज बच्चों की फिर छुट्टी है, एक दिन स्कूल गए थे फिर छुट्टी है और दो दिन जाएंगे, फिर दो तीन दिन की एक्सटेंडेड वीकेंड है। और शौर्य का जैसा कि आपको बताया था ट्रिप भी आ गया, आप देखते हैं भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे, तो बने रहिए ब्लॉग को देखते रहिए क्या करेंगे। और वो देखिए मरीज एक और, अभी मेरी तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई है और पता ही नहीं है कह रही आपसे बहुत साउंड हुआ है, मेरी तो सच्ची पक्की सोती है तो मैं क्या करूँ, फिर मुझे घर से निकाल दो। नहीं नहीं आज मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बना रही हूँ बच्चों के फेवरेट राजमा राइस। बड़े टाइम बाद मैंने कहा, फिर ट्यूजडे था, डॉली भाभी फिर बना दी थी, मैं कहा उससे पहले ही मैंने बना दी, मैं कहा नहीं बनाने हैं, वो कह रहा चाहिए, मैं कहा नहीं चाहिए हम खुद बनाएंगे। नहीं तो फिर मैं भी इधर ही खा रहा हूं। कुणाल को मैंने बोला तू भी यहीं खा, अब ये कहेगा दुबीना राजी है अच्छा, तो बने रहिए ब्लॉग को देखते रहिए। आज लीना आएगी तो उसके साथ मैं सोचो कुछ करें मजेदार सा, कुछ गेम खेलते हैं कुछ, ठीक है? तो चलो आज है किसी का बर्थडे तो उसके लिए गिफ्ट पैक करा जा रहा है। अच्छा उसको तो विश ही नहीं किया। हैप्पी बर्थडे मुस्कान, बच्चे जाएंगे। मुस्कान का बर्थडे आज, हमारी पार्टी रह गई पर कोई बात नहीं, बच्चे जाएंगे तो गिफ्ट है। अभी हम हैप्पी बर्थडे मुस्कान, अभी हम नहीं दिखा रहे कि क्या है ये। बुखार अपना साना चेक कर रही है कि उसे है या नहीं। चलो क्रेजी फैम कमेंट करो कितना बुखार है। चलो होने वाले पीपी, मेरे को लग रहा है हरारत है, 99 कुछ होगा। मुझे भी लग रहा है तेरे को बहुत ज्यादा। ये क्या हो गया? यार अब कल चेन्नई जीती है तो क्या करें उसका, मैंने सोच लिया अभी मैं बैठ के वही सोच रहा था, वो मतलब जो मेरे घर के उधर दुकान है जहाँ पे पैटी वगैरह मिलती है तो उधर मसाला आइटम बोलते हैं, पता है ना? नहीं मेरे को नहीं पता था। नहीं सही में नहीं, आपको बता नहीं। काटो इसको क्यों कंफेक्शनर्स ही बता नहीं पता था। सॉरी आपको तो पता था क्वालिटी क्या है, क्वालिटी बेकरी बेकरी है तो बेकरी बोल दो, कंफेक्शनर ही बोल दो तो बेकरी तो हमें पता है, दुकान है। तो मसाला इडली मिलती है उधर, वो ले आऊंगा सिर्फ एक क्योंकि मैं हाँ मैं खा सकता हूँ, डाइटिंग है तो मैं भी खा लूंगा वो। हाँ जी, हाँ हम भी एक एक चम्मच चख लेंगे, बस एक ही लाएंगे और एक ही चम्मच। पता चले आईपीएल जब तक खत्म होगा, चेन्नई पे किसने बोल किया था? अच्छा 20-20 किलो सबके बड़े हुए हैं, अपना भी तो ध्यान रखना भाई। ये देखो फिर से शौर्य अपना काम करवा रहा है, आपको दिखाते हैं पूरा बन जाएगा ना तो आपको दिखाएंगे, बने रहिए ब्लॉग को देखते। और एक चीज कल आपको मैं सोच रही थी, मैं ये बने रहिए ब्लॉग को देखते रहिए बहुत बारी बोलती हूँ और इसका रीजन ही नहीं, मेरे मुंह से निकल जाता है, मुझे अच्छा लगता है ये बोलना और मैं चाहती हूँ ये पूरे हमारी क्रेजी फैम के मुंह पे आएंगे, बने रहिए व्लॉग को देखते रहिए। और ये चीज इस व्लॉग के एंड में आपको बताना मैंने कितनी बार ही बोला, बने रहिए व्लॉग को देखते रहिए, ये भी काउंट होगा, ठीक है? ये पता क्या क्रेजी फैम, ये ना मैं रील्स खाने की देखो कितनी बढ़िया बढ़िया देते, तो मैंने आज सोच रही हूँ मैंने ना किसी की रील देखी, वो यार शायद में पकौड़े बनाए हैं, कोई नई चीज नहीं है बट हमने ट्राई नहीं किया अभी तक, ट्राई नहीं करा। हाँ। फेल होता है, अच्छे होते हैं नहीं होते, कंपेयर करें। ऑयल वो कंपैरिजन तो छोड़ो, ऑयल वाले मैं बनाऊंगी नहीं। हाँ। वो है कि हमने खाए तो हुए ना तो वो देखते हैं कि बेटर रहता है कि नहीं। आप लोग खा के देखना, तो तू नहीं खाता ऑयल वाले? मैं भाई डाइट पे हूँ, मैं खाता हूँ लेकिन डाइट पे हूँ मैं, एयर फ्रायर के तो हेल्दी होते हैं। अच्छा कोई बात, दो चार बनाऊंगी पर आज वो ट्राई करूंगी, मम्मी को दिखाएंगे कि बिना ऑयल के कैसे है, अच्छे है कि नहीं, अगर अच्छे होते तो मैं इसी में शाम को करेंगे ना, शाम को कर लूंगी। जिम हुआ मैं भी सैर कर लूँ और आज बहुत दिनों बाद सैर करूंगी, शुरू कर दूंगी आज तो पक्का। किस टेस्ट करेगा शौर्य, वेट नहीं हो रहा भाई इससे, क्या हो गया? कैसे हैं मस्त? ये देखो लीना और बीहू आए हैं। हेलो क्रेजी फैम, खा के बताएगी वो तो डर के मारे नहीं बोलेगी।
ये देखो हाथ से खा रहा है, कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, सना भी हाथ से खा रही है, अभी ये भी खाएगा। हाँ चलो। और ये देखो, ये है, इसकी शादी होने वाली है ना, तो इसलिए ऐसे खा रही है। इसके ससुराल वाले भी देखते हैं व्लॉग। बहुत बढ़िया, मस्त है। उषा दीदी देख लो, बहुत बढ़िया। हाँ यहाँ मस्त चलता है। चलो खा लो। क्रिएटिविटी चाची की, क्या मस्त प्लेटिंग कर रही है, मजा आता है। अब इसको देखना प्रॉपर व्हाट आई डिड। हाँ उसके लिए शॉर्ट्स देखिए। यस। तो टमाटर, थोड़ा लहसुन, थोड़ा अदरक और एक प्याज। प्याज और टमाटर और अदरक लहसुन को ग्रेट कर लेंगे, और बैगन को ना चीरा लगा के थोड़ा 5 मिनट में माइक्रोवेव में घुमाते हैं। चलो अब मैंने बना लिया ये। खा कसम मेरी, तूने बनाया? मैं कसम नहीं खाता भाई, सिंपल सी। सबको पता क्रेजी हम लोग कितनी कसम खाते हैं। अच्छा चलो अब दिखा तो। अब ये लंच करा दिया था ना, उसके बाद मैंने ये काम ले लिया। अब इसके बाद मैं डिनर की तैयारी करूंगी। ये देखो, 1 2 3 थैंक यू। ओह माय गॉड, और कितने मार्क्स मिल जाएंगे इसको? 10 लेट गो शॉर्ट। या नाइस 10 से 10। हाय फी गुड नाइस। क्रेजी खान मजाक कर रही थी, हेल्प इसे कवर वावर मैंने चढ़ा, क्योंकि ना इतना थिक पेपर लिया है, कुनाल की गलती है। सेलोफिन मेरे से चढ़ी नहीं है, सेलोफिन ये भी नहीं, ये ना कार्टर शीट लिया था। ये कुनाल की गलती है, नहीं तो ये भी खुद ही करता हूँ। ड्रॉइंग मेरी है, ये छोटे जाते जैसे स्कूल नहीं जाते। Later that same evening. निकल गए हम क्या लेने? इडली, इडली सांबर, इडली सांबर चेन्नई को ट्रिब्यूट करने के लिए। मद्रास देखो, यहाँ से लेने आए हैं। मद्रास इधर का फेमस है हमारे, जहाँ पे हम रहते हैं। ये रहा देखिए, ये रहा मेन्यू। ले लिए इडली सांबर। शायद आपको पता है दिल्ली में आज मैच है, दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस का। और दिल्ली जीतेगी तब आएंगे 100 बच्चों नहीं देखेंगे, दिल्ली में तो बहुत चाट वाट सब कुछ है। हाँ। और गुजरात जीती तो, पर मैं तो दिल्ली चाहती हूँ जीते। हम दिल्ली के हैं तो दिल्ली ही जीतनी चाहिए। चलो और ये आ गए ट्रिब्यूट के लिए, इडली सांभर। बताया दिया ना मैंने बार बार, बने रहिए ब्लॉग को देखते रहिए, क्योंकि ना आपको बताएंगे कि कौन सी टीम जीती है और कल क्या आएगा। और ये ना अब ये कौन इसको खाता है, ये ना हमारे यहाँ का स्पेशल मद्रास। दिखा दिया मैंने सब, बता दिया मद्रास। ये तो कहता अगरवाल से, इसकी आपको खुशबू सुखा पाऊ ना मैं, अगर ऐसा सांभर नहीं मिल सकता कहीं पे। चलो अब वो स्टार्ट कर रहे हैं जो बोला था दोपहर में। मतलब खाने किसी को नहीं है, मेरे को ही खाने पड़ेंगे। थोड़े बहुत बनाओ ना बस, एक्सपेरिमेंट। क्या बनाऊंगी अब, इसको नमक भी लगा के रखती हूँ, क्रिस्पी बनने चाहिए। मैंने जिसकी वो देखी ना, आपने इतने टाइम से एयर फ्रायर हम यूज कर रहे हैं तेजी मैम, पर ये है कि हमने कभी ना, ये मैंने इस चीजों को ट्राई नहीं किया। जो ऑयली चीजें होती है, मुझे लगता है जब खाना ही है तो ढंग से खाओ। हाँ। पर अभी आज देखती हूँ कि टेस्ट में अगर फर्क नहीं आता तो फिर यार फिर तो अच्छा है ना। दिल्ली विकेट हो गई है दिल्ली की, दिल्ली में मैच है और दिल्ली की विकेट दूसरी। पर क्यों कर रहे हैं ऐसे यार, ये देखो विकेट देखो, दिल्ली में ही है मैच। हाँ। और मेरे को तो वो वीआईपी टिकट्स के पासेस भी मिले थे, टिकट्स पासेस में। अच्छा और कुछ? मेरे तो जो टीम का कैप्टन है ना वो मेरे को पहचानता है। वो चाची से ट्रेनिंग लेते थे। मैं बहुत अच्छा, इन लोगों को बताया नहीं। क्रेजी मैम बने रहिए ब्लॉग को देखते रहिए। मैंने ना एक क्या कहते हैं, मैं क्रिकेट अकेडमी चलाती थी पहले। अच्छा। अब मैं बहुत हिडन टैलेंट है, जैसे जैसे आप बने रहे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी तो बताने में पॉसिबल ही नहीं लग रहा। क्या चीज़? ये कि एयर फ्रायर में बनेगा, मतलब बनेगा तो सही, बनेगा तो सही, हर चीज बनती है बेटा। मैं नहीं वोट कर रही हूं, नहीं बनेगा। मैं भी नहीं, इतना क्रिस्पी दिखाया कि बस ये देख अब तो बन गया ना, ये मेरा बेटा बन गया। और ये प्याज को ना मैं पहले, पता है क्यों करती हूँ, सब लोग ऐसे ही करते हो, पहले मुझे नहीं आता था, ये मैंने मुक्ति से सीखा। प्याज को ना पहले वो नमक मिर्च लगा के छोड़ देते, जितना पानी उसे छोड़ देना, फिर बेसन डालना। सबसे पहले इधर ऑयल लगाना है, इसको पीले कर रही हूं। ठीक है 200 पे कर रही हूँ कम से कम, नहीं तो 7-8 मिनट तो करते ही हम कर देते हैं। फिर देखें आज का भी डन। मैं जानबूझ के नहीं करूंगी, मैं काम करती हूँ यहाँ पे। आखिरकार ट्रिब्यूट चाची दे रही हैं। कोई नहीं खाता ये, मुझे पसंद है तो मैं टाइम से खा लेती हूँ फिर ना, मैं लेट क्यों करूँ। चलिए मेरा वाटर आई डिनर भी है। कोई नहीं, मैं साथ साथ बना रहा हूँ, आप बताओ क्रेजी फैम को। हाँ बता रही हूँ मैं, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मद्रास की तो बहुत ही अच्छी है, चेन्नई मजेदार, मजेदार, बहुत मजेदार। अना को भी थोड़ा सा ट्रिब्यूट दे रहे हैं। शौले तो बिल्कुल खाता ही नहीं ना, तो मतलब ही नहीं है।
अच्छे से बेटा, सना छोटी थी ना, मैं आपको बताऊँ, मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी ना, तो हम लोग केरला गए थे कि मिस्ट्री मैन को था नहीं बच्चे से पहले जाएंगे केरला ऐसे घूमने की जगह भाई कपल के लिए। मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी और मैं तब गई थी वहां, जाके हमने सांभर वांबर खाया इडली। जब ये पैदा हुई ना इसका टेस्ट ही वो चीज डेवलप हो गई थी, इसको इडली सबसे पहला फूड तूने इडली खाया था, तुझे इडली ही पसंद थी, हम कहते थे केरला में वो इसने वहाँ का खाना खाया हुआ ना, इसलिए तू इडली देखो इतनी पसंद थी। अच्छी है ना, आ जा मेरा दिल क्यों तोड़ रहा है तू, ये भी चाची खाएंगी। ये वो कह रहे थे कि 20 मिनट लगेंगे इसको एक बैच को, इतने में तो मैं कितने पकोड़े तल दूं और मैं कितने पकोड़े खा लूं। अभी इसमें 2 लॉट लगाऊं मैं, 40 मिनट लगाऊं तो बेवकूफ हूं मैं। अभी मैं रख देती जितने भी बनते हैं और क्या, अभी रख दिया ना, बनने के बाद मिलते हैं सीधा। भाई खुशबू तो आ रही है, हां खुशबू तो वैसी आ रही, पर टाइम बहुत है, पर फिर भी यार देखे चलो। अब ये मैंने 160 पे 10 मिनट रखा था, मुझे लग रहा है साइड्स चलो चेंज कर देती हूं। चलो टन खा के बताओ बेटा ये तो हेल्दी है, इसमें तो ऑयल है ही नहीं है, तेरे सामने तो नहीं ऑयल है, लेकिन मानता नहीं है तो कोई डर नहीं है। एयर फ्रायर में बनाया, मम्मी देखो कितने क्रिस्पी, खा ना प्लीज यार, ये तो बहुत ही मस्त है, जो डाइट में हो बंदे के लिए बहुत बढ़िया है। देखो मैं तो कड़ी में, यार हमें इतने ही चाहिए होते पकौड़े, ज्यादा चाहिए नहीं होते, मैं तो मम्मी यही बनाऊंगी है ना। तले खाया था दिया आपने, कैसा है? ठीक है, सही है ना, अच्छा तो बोलती नहीं, चलो बता ही दिया था आपको, पर अभी ब्लॉग को देखते रहिए, बने रहिए, तो देखते हैं कि कितना कब आगे, कभी किसी ब्लॉग में तो बोलेंगे, पर वो नेचुरल अच्छे हैं, मैं कह तो रही हूं। ठीक बोला मम्मी आपने, खाना कर रही है डिनर, राजमा राइस, क्योंकि वो बनते हैं टेस्टी। और कल सुबह में स्कूल में राजमा राइस लेके जाएगी वो, अभी परसों से स्कूल में राजमा राइस मिलेंगे तो ये वो भी खाएगी। और ये आ चुका है केक, कहाँ से आया ये? मुस्कान के बर्थडे का। और ये मेरा फेवरेट है, मेरा वैसे गला खराब हो रहा है पर मैं खाने लगी। सॉरी आपको राजू बिल्कुल नहीं खाते आप, चलो कोई बात, हैप्पी बर्थडे मुस्कान। अब चाची खा रही है, बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगता है, किसी का टॉक टाइम करे चलो कुछ कर दे, सॉरी कर देता। So we'll see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Boys.